करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नहीं सर। मैं आप सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर, यस आवाज सर, आ रही सर। आपका आवाज, नहीं तो उनका आवाज तो हम सुन नहीं पाते होंगे। एक स्पीकर लगा हो गया है ना, बोले तो। अरे बाकी लोग का तो बताया, टाइम काट के चले गए ना, समझ रहे हैं ना। व्हाट द प्रॉब्लम इज देयर, यू हैव टू बी सॉल्व। एक माइक लगेगा, स्पीकर लगेगा, ताकि वो बोलता है तो सुनाई दे। कैसे सुनाई देगा उसकी बात? वो बोलता होगा तो बेचारा ये सुनते नहीं होंगे। हेलो, जी सर, ऐसे ही होता है, हम लोग बोलते रहते हैं कुछ सुनते हैं। हेलो। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालिद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? यस यस सर, सर। आवाज आ जी रही है सर, सर। आवाज़ आ रही ठीक है। है शुरू करें हम लोग? यस सर। सर जी वेट कर सर, लो, थोड़ा 2 मिनट वेट कर लो सर। वेट कर लें। बहुत से अभी यस ज्वाइन कर रहे सर, हैं सर, बहुत ज्वाइन से कर अभी रहा। ज्वाइन कर रहे हैं अभी। कितने लोग ज्वाइन किए अभी तक? एक ही तो नंबर जी, 31। 10, 5 मिनट वेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? यस सर, जी यस सर, सर, जी यस सर, सर। ओके सर, 5 मिनट वेट करते हैं, जब तक हम लोग पांच इंट्रोडक्टरी मिनट बातें कर पांच लेते मिनट हैं। लेट हिम ज्वाइन जो है। ओके ओके सर। सर, ठीक है। ओके, हेलो, मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आप तक जा रही ना? हेलो, यस सर, आ रही है सर, आ रही है आवाज सर। ठीक ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम लोग पीछे, यस हम सर, लोगों ने देखा था फर्स्ट में, हम लोगों ने ये देखा था कि व्हाट इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लियरली 10 मिनट में जैसे हम लोग ऐसे रिपीट कर लेते हैं, और फिर हम लोग बाजाप्ता जो है उसको नेक्स्ट सर, क्लास पे आ जाएंगे। ठीक है सर। हम लोगों ने ये देखा था कि फिजियोलॉजी जो है, ये फिजिया जो है, इसको हम लोग दो मीनिंग में लेते हैं। फिजिक्स एंड फिजिक्स मीन्स जो है नेचर, एंड लॉजिक मीन जो है नॉलेज, जैसा कि सब होता है। सबसे पहले जो जब उसने एंशियंट ने डिफाइन किया इसको, तो इसको एज ए डिफाइन किया साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शन इन द लिविंग सिस्टम जो है। सबसे पहले जो उसने फिजियोलॉजी डिसाइड किया, उसने बताया कि इट इज साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द लिविंग सिस्टम जो है। ओके, देन फिर बाद में जाके हिपोक्रेट्स ने और गैलन ने इसे मॉडिफाइड किया, और अल्टीमेटली जो है फर्स्टली जो बुक्स के शक्ल में आया ये। तो सबसे पहला जो बुक, जो साइंटिफिक बुक जिसे कहें हम लोग, या एज ए सिस्टम ऑफ द मेडिसिन जो है, सबसे पहला बुक जिसने लिखा वो आपका बताया ना सर, कि पर्शियन फिलासफर हैं, इब्न सीना है। इन्होंने आपको 1025 में ये आपको, इन्होंने जो है आपको तिब्बे कानून ये लिखी, आपने अल कानून फिल तिब लिखा था। अल कानून फिल तिब जो है लगभग 7 जिल्दों में है, और कंप्लीट इसमें उन्होंने पूरे यूनानी पूरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ही डिसाइड कर लिया। और डिसाइड करने के बाद इन्होंने एक बाजाब्ता बुक्स के शक्ल में इसे निकाला,
और यही बुक जो है आज भी आप पढ़ते हो, आपके फंडामेंटल जो टेक्स्ट बुक है वो यही अल कानून है। मैंने पहले भी बताया था कि सातो वालूम उर्दू में ट्रांसलेशन आपके यहाँ पढ़ा हुआ है। बाद में यही बुक जो है लैटिन से दूसरे कंट्री अरब में आया, अरब से देन जो है फिर इंग्लिश में गया, और इंग्लिश के बाद फिर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसी बेस से निकला जो है। अल्टीमेटली जो है आपको पहले भी बताया था सन 1800 सेंचुरी तक ये बुक जो है टेक्स्ट बुक आप जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी जाती थी। ये फिजियोलॉजी के सिलसिले में इन्होंने पहली बुक यही लिखी उन्होंने, जिसमें फिजियोलॉजी ने पूरी पूरी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन लिखा है। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो है अरब में आया, अरब में और भी इब्न सीना ने, अलदरावी ने, इब्न नफीसी ने इसमें थोड़ा सा एडिशन किया, हिपोक्रेटिक, सब हिपोक्रेटिक को ही वो कर रहे थे। और अल्टीमेटली ये 13वीं शताब्दी में जब इंडिया में आया दिल्ली सुल्तान के उसमें जो है, और फिर मुगलों में जो है आकर के इसे इस्टेब्लिश किया जो है, और मुगलों के पीरियड में ये आप ये पूरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में से कोलेबरेट करके बेसिकली जो है काम हुआ जो है। और फिर मैंने पहले भी बताया था कि ये यहीं पे रह गया और यहाँ से फिर दूसरे कंट्री में नहीं गया। आज भी जो है सिर्फ जो है इंडिया में है, इंडिया से कंटिनेंटल जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और कुछ मिडिल ईस्ट को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ साउथ अफ्रीका हैं जहाँ पे इनको एज ए रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ से एक्सेप्ट किया गया। बकिया जगह जो है कहीं भी आज तक जो है अब ये जहाँ से भी जा रहा है ये हिंदुस्तान से ही जा रहा है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फिजियोलॉजी हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा कि वो अल कानून ने उसने लिखा, तो अल कानून ने ये बताया कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो था बेसिकली जो है ये चार फंडामेंटल्स इनके हैं, या जो इसने ये फिजियोलॉजी के टर्म में ये बताया कि पूरे बॉडी जो है चार अखलास से मिलकर के बने हुए हैं, ब्लड है, सफरा सौदा बलगम से बोलते हैं, इन चारों अखलास या ये एक मिक्सचर ऑफ द फ्लूइड है, इसी से पूरी बॉडी का कंस्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, जब वो इसने डिसाइड किया तो उसके बाद से अब इसके डायग्नोसिस के जो तरीके जो यूनानी सिस्टम में बताया गया था क्या है, साइन सिम्टम्स थे एंड लेबोरेटरीज थे और टेम्परामेंट जो है। अब इसने बताया कि बॉडी में जब ये चार खिल्त जो है अखलात के बिना पे जब बना हुआ है, आगे करते जाओ नेक्स्ट कब हम कर ले रहे हैं इसलिए तुम फिर नहीं पा रहे, थर्ड पे आ जाओ। हाँ बच्चों दो नेक्स्ट करो, हाँ चलो चलो बस इसी पे नेक्स्ट करो, फिजियोलॉजी इसके बाद नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट स्लाइड ले लो। ठीक, यहाँ पर तो इनके डायग्नोस्टिक के तरीके थे, नेक्स्ट कर लो। तो डायग्नोसिस में बेसिकली साइन सिम्टम एंड लेबोरेटरी फीचर और मिजाज या टेम्परामेंट को लेते हैं जो है, तो इन्हीं के और इसको ये कहते हैं कि इसी से पूरे बॉडी का बॉडी बना हुआ है और इनको कंट्रोल के लिए कुव्वते मुदब्बिरा होता है, जिसे कि वो लोग जो है पावर ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर ऑफ इम्यूनिटी कह सकते हैं, इम्यूनिटी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक जो प्रोटीन फैक्टर पे है, और यहाँ पे पूरे बॉडी को कहते हैं कि इनको कंट्रोल करने के लिए कुव्वते मुदब्बिरा है बॉडी में जो कि इनको कंट्रोल करता है। और बॉडी में जब इस ह्यूमर में कोई चेंजेस आते हैं तब जाके बॉडी में डिजीजेज होता है, अगर किसी एक डिजीज किसी एक ह्यूमर का प्रेडोमिनेंट हो तो उसी तरीके से बॉडी को जो बलगमी मिजाज, सौदावी मिजाज, सफरावी मिजाज या दमी मिजाज के लोग नाम देते हैं, इसी प्रेडिसिपेंट को या इसी को मिक्स को जो है जब वो टेम्परामेंट जो है प्रोमिनेंट हो जाता है तो वो डिजीज कहते हैं या डिस्टर्ब होता है तो डिजीज कहते हैं। इसलिए इसको ठीक करने के लिए जो उनके तरीके हैं, नेक्स्ट कर लो, इनके जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या उसूल इलाज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं इनके, ये चार तरीके हैं इनके। एक तो ये कहते हैं ये इजालेस असबाब जो है, मतलब जो कॉज है जिस कॉज से ये जो है मिक्सचर में चेंजेज आया है उसको ठीक करेंगे, देन फिर तदालील अखलाक अखलाक को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, देन जो है अगर उससे भी नहीं ठीक हुआ, अगर आज़ा में जो है में चेंजेस आया है तो देन जो है आज़ा को ठीक करेंगे जो है। तो सबसे पहले ये जो है असबाब इलाज को इराडिकेट करते हैं, उसके लिए ये इलाज बिल तदबीर व इलाज बिल गज़ा लेते हैं, मतलब ये कि मैनुअल मेथड से या डाइटिक थेरेपी से इसको वो उसके मिजाज को टेम्परामेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर ये ठीक टेम्परामेंटल जो है नॉर्मल पे नहीं आ पाता है
अगर डिजीज के शक्ल में, तब जाके कि ये मेडिसिनल या सर्जिकल अप्रोच लेते हैं। दिस इज द जो है इनका जो है ये पूरे पूरे इनका सिस्टम ऑफ जो है सिस्टम ऑफ द ट्रीटमेंट है या सिस्टम ऑफ द यूनानी मेडिसिन है। तो नेचुरल सी बात है जब उनके बेसिक साइंस जो थे किस पे डिपेंड है, चार ह्यूमर पे डिपेंड है, तो चार ह्यूमर को ही वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ये चार ह्यूमर को ठीक करना या चार ह्यूमर के बारे में पढ़ना या चार ह्यूमर से कैसे डिजीजेज होते हैं या कैसे उसके ट्रीटमेंट किया जाता है, ये बेसिकली जो है आपको किस में पढ़ा जाएगा, अमूर तबिया में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे जो फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल ही मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का टोटल फिजियोलॉजी है। इसको इसलिए पढ़ते हैं ताकि कोरिलेट कर सके हम लोग है और इसको हम लोग कंपेयर कर सके। इसीलिए यहाँ पे जो फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं वो इन डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं, जस्ट जो है क्या करते हैं उसकी उसके एलिमेंट्री फैक्टर्स को हम लोग जो मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं ताकि उससे हम लोग जब वो अपना ओरिजिनल फिजियोलॉजी हम लोग या अखलाक से जब जोड़े इसे तो कोरिलेट करके जो है बात को समझ पाए। बी क्लियर अबाउट दैट। नेक्स्ट ले लीजिए और नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट ले ली, बस यही छोड़ दीजिए। तो जब टर्म फिजियोलॉजी की बात आती है तो आप देखेंगे सबसे पहले 1525 में जेन फेलन ने जो है इस सब्जेक्ट को डिफाइन किया, ये पूरा टर्मिनोलॉजी डिसाइड किया। मतलब ये कि 1525 से पहले फिजियोलॉजी नाम की चीज दुनिया में कोई चीज था ही नहीं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं था। टर्मिनोलॉजी सबसे पहले जो जीन फैलन ने जो है 1525 में डिराइव किया या इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये कि 1500 से पहले जो फिजियोलॉजी पढ़ी जाती थी वो आपको वही आमूर तबिया है जिसके कि हम आपको अभी तक बात कर रहे थे। 1525 के बाद पहली बार दुनिया में जो है टर्मिनोलॉजी ऑफ द फिजियोलॉजी यूज किया उसने जीन फैलन ने, और आखिर में आकर के जो है आप देखेंगे कि 1557 में 1578-57 में सबसे पहले जो है विलियम हार्वे ने जो है इस जो मॉडर्न फिजियोलॉजी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको उसने असेंबल किया जो है, और बजाबता एक जो है टर्मिनोलॉजी के शक्ल में एक सब्जेक्ट के शक्ल में लेके आया, और उसने जो डिफाइन किया कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी, ही सेज द फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो विलियम हार्वे जो डिसाइड करते हैं या जो डिफाइन करते हैं उनके हिसाब से क्या है, ये वो साइंस है जिसमें की जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल फंक्शन को स्टडी किया जाए, नॉट एबनॉर्मल फंक्शन को। याद रखिएगा जब एबनॉर्मल फंक्शन कहेंगे हम लोग तो वो डिजीज हो जाता है। तो सबसे पहले जो है इनको जानना होगा कि व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो सब्जेक्ट मुझे नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताता है दैट इज कॉल्ड एज द फिजियोलॉजी एज पर जो है विलियम हार्वे की वजह से। तो इन्होंने जब डिसाइड किया कि कैसे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग या व्हाट द फिजियोलॉजी सेज जो है, इन्होंने बताया कि पूरी पूरी बॉडी जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो बोलते हैं कि पूरी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल के ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की वजह से बना हुआ है। तो अगर सेल की फिजियोलॉजी को हम लोग जानेंगे देन जो है हम लोग शुरू करेंगे। अब आप देखेंगे वहां पे जो वो कह रहा था अलकानून ने कहा बॉडी इज मेड बाय द चार फ्लेग्रम से, चार अखलाक से बने हुए हैं, बॉडी इज अ मिक्सचर्स ऑफ द चार अखलाक, इसलिए उसने अखलाक पे पूरी फिजियोलॉजी पढ़ी उसने। लेकिन इन्होंने पूरी पूरे सिस्टम को बदल दिया, इन्होंने ये कहा कि नहीं बॉडी जो है डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स ऑफ द जो है सेल का है नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग सेल को पढ़ेंगे। इस तरह से पूरे पूरे फिजियोलॉजी जिसे मॉडर्न फिजियोलॉजी आप कहते हैं ये चेंज हो गया। इन्होंने बताया कि यूनिसेलुलर्स होते हैं, एक ही यूनिसेलुलर में सारा फंक्शंस होता है, और मल्टीसेलुलर में डिफरेंट डिफरेंट सेल जो है यूनाइट होकर के परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, उनके अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शंस हो जाते हैं। क्लियरली तो इस तरह से जो है हम लोग फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेल से शुरू करेंगे। तो मॉडर्न फिजियोलॉजी इज स्टार्टेड फ्रॉम द सेल जो है। तो सेल तो आपने सिक्स में भी पढ़ा, एट में भी पढ़ा होगा, प्लस टू में भी पढ़ा, तो वही सेल नॉर्मल फिजियोलॉजी में वह भी वही सेल आता है। तो हम लोग वहाँ डिटेल्स में ना जा करके हम लोग जस्ट एक रिवीजन में देखेंगे व्हाट इज द सेल जो है और उसके मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या मतलब कहाँ कहाँ यूजेस होता है। देन उसके बाद से सेल के बाद से जो बेसिकली जो है टिश्यूज शुरू होते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम शुरू होते हैं, देन फिर ऑर्गन सिस्टम फंक्शन शुरू होते हैं, तब जाकर के असल हम लोगों के फिजियोलॉजी शुरू होती है। तो जस्ट इंट्रोडक्टरी यहाँ
यहाँ से अब बिल्कुल अलग हो जाएंगे हम लोग। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन किस पे बात कर रहा था, वो अखलाक पे बात कर रहा था, और इसने क्या कहा कि सेल से हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट कर, दूसरा वाला सेल खोल लें, इसको बंद कर दिए, दूसरा वाला खोल लें। हेलो, कितने लोग आ गए? जी 57। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया ये पीछे का हम लोग का? हेलो, क्लियर हो गया ना? यस सर, यस। फिजियोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से लाए हम लोग, ये बात क्लियर हो गई? आर यू ऑडिबल? हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोल सकते हैं? यस सर, क्लियर सर, क्लियर सर। सॉरी, अभी तक ये वन वे कम्युनिकेशन था, आज मैंने देखा है कि वन वे कम्युनिकेशन था, पता नहीं कैसे आप क्लास करते थे। बड़ी डिफिकल्ट होती थी वन वे में करने में, हम इसको टू वे करवा रहे हैं, जल्दी एक से दो में करवा रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सर। नेक्स्ट शुरू करें, सेकंड वाला? नहीं, सेकंड वाले इसको हटा के फिजियोलॉजी टू वाला जो था ना, वो अच्छा वो लगाए आप लगा दिए हमारे, नहीं लगा तो बंद कर लेता हूँ, ठीक है? देखते शेयर करें पीजे टू, इसको आएगा जी का अपडेट वाला, उसको कैंसिल करते जाइएगा। आ गया सर, ठीक आ गया। फर्स्ट पे ले चलो, फिजियोलॉजी सेकंड और पीछे आ जाए। हाँ बस ठीक। तो अब हम लोग यहाँ के फिजियोलॉजी के बाद से डिफाइन होने के बाद, हेलो, हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज दिस ह्यूमन सेल जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ह्यूमन सेल आप पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे, जस्ट फॉर एक इंट्रोडक्टरी हम लोग जो है मेजर पॉइंट्स हम लोग देंगे, और उसके बाद से हम लोग टिश्यूज पे निकल जाएंगे, और टिश्यूज के बाद फिर सिस्टम पे निकल जाएंगे, फिर मॉडर्न फिजियोलॉजी पे निकल जाएंगे। याद रखिएगा, ये मॉडर्न फिजियोलॉजी है, ये यूनानी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। यू हैव टू बी रीड द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जस्ट यहाँ पे हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि कंपेरेटिवली हम लोग जो है समझ सके वहां पे क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है, इसलिए मैंने वहीं से शुरू किया आपको। नेक्स्ट ले लीजिए। इसमें जो बेसिकली हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, ये कुछ बेसिक टॉपिक हैं। सेल का इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोपिक सेल एनाटॉमी लेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेल लेंगे, देयर फंक्शंस, देयर रेस्पेक्टिव क्लिनिकल एनाटॉमीज, फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ द सेल्स एंड द टाइप्स ऑफ द सेल्स, ये बेसिकली हम लोग लेंगे, और देन इस सेल को हम लोग खत्म करेंगे और टिश्यूज पे चले आएंगे। नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट जो है सेल से शुरू करते हैं हम लोग, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं सेल मीन्स क्या होता है, मीनिंग इसका ये होता है कि स्मॉल रूम जो है सेल, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है इसे बताया था, और रॉबर्ट हुक ने जो है आपको पता है कि सबसे पहले जो सेल का उसने डिस्कवर किया था, किसमें किया था, वुडन सेल में उसने देखा कि छोटे छोटे जो है रूम्स बने हुए हैं, छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, और देन इसीलिए वहां पे उसका नाम जो है उसने स्मॉल रूम्स के नाम से दिया जो है। बाद में ये सेल जो है काफी एडवांस हुआ, तो सेल का मतलब ही होता है छोटा सा रूम है, मतलब एक सिंगल रूम जो है, यूं आप कह सकते हैं कि पूरी बॉडी डिफरेंट सेल छोटे छोटे रूम्स को मिला करके एक बड़ा बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनता है लाइक दैट है। तो या यूं कहें कि छोटे छोटे जो है सेल्स मिल करके पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी बनाता है जो है। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस एंड बायोलॉजिकल यूनिट नोन है, इसको हम लोग जो है सेल में बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट बोलते हैं, या यूं कहें कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, मतलब इस बॉडी को अगर यूनिट में हम डिसाइड करें तो स्ट्रक्चर्स के एतबार से भी और फंक्शंस के एतबार से जो मुझे यूनिट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज द सेल जो है, ठीक है? इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, पूरे बॉडी का जो है बिल्डिंग ब्लॉक है ये, इसी से बिल्डिंग ब्लॉक बनता है, ये रिप्लिकेट हो सकता है एक अपने से मल्टीप्लाइड करके जो है इंडिपेंडेंटली जो है मल्टीप्लाइड हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे लगभग 60 to 100 trillion सेल जो है पूरे पूरे ह्यूमन बॉडी में होता है, इसकी साइजेज जो है डिफरेंट साइजेस के होते हैं, जैसे 50 to
150 माइक्रॉन के होते हैं। सबसे छोटा सेल जो मिलेगा हमें 50 माइक्रॉन का होगा और बड़ा सेल जो होगा 150 माइक्रॉन का होगा। जो है एक सेल थियरी है बजाबता जो है शेड्यूल हुआ था। सेल थियरी के हिसाब से द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेन एंड सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो है इसे हम लोग जो है पूरे इस सिस्टम को ही हम लोग सेल थियरी कहते हैं। सेल थ्योरी का मतलब वही है कि पूरी बॉडी जो है सेल बॉडी में सेल जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, लेकिन इसको ओरिजिन होने के लिए एक जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल होना जरूरी है। विदाउट प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हुए ये स्वयं जो है ये ऑटो जो है अपने से जनरेट नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग पूरे सेल को सेल थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट चले, ये एक सेल का स्ट्रक्चरल डायग्राम है जिसे कि आपने पहले भी देखा होगा, कोई नई बात नहीं है आपके लिए, हजारों बार आप देख चुके होंगे। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल है। इसमें आप देखेंगे कि एक जो है आउटर लाइनिंग है या आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देन इंटरनल जो है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स होता है, इसे हम लोग लिविंग फ्लूइड्स भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली जो है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड कहते हैं। वो फ्लूइड जो कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है। और ये फ्लूइड और आम फ्लूइड में फर्क क्या है? अदर फ्लूइड्स आर द मे बी जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक या सम अदर फ्लूइड्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो है पूरे लिविंग फ्लूइड्स कहलाता है। लिविंग फ्लूइड्स मीन जो है इसके अंदर जो है लाइफ की तरह से मल्टीप्लाइड होने का और लाइफ के सारे करेक्टर्स होते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे आप डिफरेंट दो तरह के जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक जो है लिविंग ऑर्गेनिस्म होते हैं, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिस्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिस्म वो ऑर्गेनिस्म होते हैं जो कि मल्टीप्लाइड होते हैं, जिसमें कि लाइफ की तरह से जो है उसका प्रोसेस होता है बजाबता। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे जो है आपको प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए और आपको मिनरल्स वगैरह होते हैं, दैट इज कॉल्ड जो है। तो आप देखेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेम्ब्रेन को आप देखोगे कि बीच में जो है इसमें पोर्स होता है जिससे कि जो है कनेक्टेड होता है। और देन जो है उसके अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकांड्रिया है, गॉल्जी बॉडी है, लाइसोन्स है, सेंट्रोसोम्स है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है। और इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर भी एक पूरे सेल के अंदर भी एक और फिर सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी जो है मेम्ब्रेनस होता है, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन्स होते हैं और उसके अंदर जो है थिक मटेरियल्स बड़ा होता है जिसे कि हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, ये लिविंग। और उसके बाद से आप देखोगे कि ये सेल मेम्ब्रेन और जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता हुआ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ सेल्स होते हैं जो कि बाहर से अटैच होते हैं। नेक्स्ट ले लें। ओके, अब आप सेल मेम्ब्रेन को अगर जब देखोगे तो ये बाइपोलर होता है। बाइपोलर मीन्स इट्स अ बाई लेयर विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स के दो मॉलिक्यूल जो है मिल करके इसे बनाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग फास्फोलाइपिड लेयर कहते हैं। फास्फोलाइपिड लेयर लाइपिड समझते हैं, लाइपिड प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं, फैट्स को कहते हैं, फास्फोरस मीन्स जो है इनऑर्गेनिक फास्फोरस है, तो दैट इज कॉल्ड एज द फास्फोलाइपिड बाई लेयर विद प्रोटीन्स होते हैं। लाइपिड्स एंड प्रोटीन्स का लेयर बना होता है, मॉलिक्यूलर होता है। इसमें फास्फोलाइपिड जो होता है वो हेड जो है उसका बाहर वाला सिरा या हेड जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। सेल के ऊपरे हिस्से पे होता है जो ऑर्गन वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और अंदर वाला पोर्शन जो टेल होता है इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, हाइड्रोफोबिक होता है ये। और जो है ये टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द जो है मेम्ब्रेन के बीच वाले हिस्से में होता है। मीन्स ये कि ऊपर अपर वाला पोर्शन जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और हाइड्रोफिलिक सील कर सकता है, और जो है इनर वाला जो है कोई चार्ज नहीं होता। इसका स्ट्रक्चरल अगर डायग्राम आप देखोगे तो इस तरह से ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट ले मैम, अगर टाइप्स ऑफ द प्रोटीन आप देखोगे तो इसमें ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड ट्रांसफर प्रोटीन होते हैं। इंट्रायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो है पूरी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन को इंटेग्रल प्रोटीन होता है एंड हैज डिफ्यूज द चैनल जो है इसके अंदर जो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जिससे कि जो है प्रोटीन जो है प्रोसेस हो जाते हैं। एंड सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, इसे लोग पोरफेरियल प्रोटीन बोलते हैं। ये पेनिट्रेट पार्टली
थ्रू द मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन के जरा से थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है मर्ज होता है, देन जो है फंक्शनल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन अगर आप देखोगे, इसकी बेसिकली जो है मेम्ब्रेनस प्रोटीन का जो फंक्शंस है, इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी के लिए होता है, हार्मोन्स रिसेप्टर्स के लिए होता है, एक्ट एज एंजाइम होता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बेसिक जो है इस प्रोटीन का होने का मतलब क्या है, इसका काम क्या है, ये इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करता है, बाहर के कोई प्रोटीन्स अगर आ रहे होते हैं तो उसे आइडेंटिफाइड कर लेता है, कुछ हार्मोन्स आ रहे होते हैं उनके लिए रिसेप्टर्स की तरह से ये काम करता है, और एक्ट एज एंजाइम इंजाइम की तरह से काम करता है, ताकि बहुत सारे हार्मफुल जो है जो इन प्रोटीन आ रहे हैं उसको वहीं पे डिसॉल्व कर लेता है, और बकिया जो है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन सेल, बकिया काम जो है मेम्ब्रेन से बाहर की चीजें को लाने के लिए, अंदर लाने या अंदर से बाहर की चीजों को ले जाने का काम करता है, जिसे कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन जो है। आउटर सरफेस को आप देखोगे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का होता है, और ग्लाइकोलिक्स आर द सेल कोट इसे बोलते हैं, ये टिश्यू एंटीजन होता है, और मेजर जो है हिस्टो कंपेबिलिटी एंटीजन आर लोकेटेड ऑन द सेल कोट जो है, हिस्टो कंपेबिलिटी एंटीजन आर लोकेटेड ऑन द टिश्यू एंटीजन होता है ये, एक तरीके से ये बाहर से जो फॉरेन बॉडी आ रहा होता है उसको ये एंटागोनाइज कर देता है, और जो है इसी तरह से इसीलिए इसको हिस्टो कंपेबिलिटी एंटीजन कहते हैं हम लोग, जो जो फॉरेन बॉडी एंटीबॉडीज आ रहा है उसको एंटागोनाइज करके जो है एंटीजन जो है यहाँ से निकाल करके यहीं पे डिस्ट्रॉय कर लेता है। देन जो है उसके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट चेन्स लगे होते हैं, जिसमें जैसे कि प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन लगे होते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है चेन बाउंडेड टू द लाइपिड्स होते हैं, जो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन के लाइपिड्स होते हैं, और कुछ लाइपिड से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जनरली न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। तो आप देखोगे कि जो प्रोटीन बना हुआ है क्या फॉस्फोलाइपिड्स के डबल लेयर प्रोटीन बना होता है, इसके बीच बीच में होल्स होते हैं, इसके दो पोल्स होते हैं, अपर पोल जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और लोअर पोल जो है निगेटिवली चार्ज होता है, और जो ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक होता है और नीचे वाला हाइपोफिलिक होता है। इसी तरह से इसके प्रोटीन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन को आप देखोगे तो जनरली जो है ट्रांसफेस प्रोटीन्स होते हैं, फंक्शनल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, और आउटर सरफेस जो है ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है, और उसके ऊपर जो है प्रोटीन लाइपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, मीन्स ये कि पूरा पूरा सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन लाइपिड्स एंड जो है कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। बेसिक इनका काम क्या है, प्रोटीन का काम तो ये है कि जो है वो उसको इम्यूनाइज करता है, हार्मोन रिसेप्टर्स को लेता है, एज एंजाइम काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और जो है बाकी जो है हिस्टो कुछ जो है एंटीजन की तरह से भी काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट चेन जो है दो तरह के होते हैं, एक प्रोटीन लगा हुआ होता है, एक लाइपिड्स लगा हुआ होता है। जनरली ये प्रोटीन लाइपिड्स को बनाने में या प्रोटीन को बनाने में काम आते हैं बेकट होकर के, और एंजाइमेटिक जो है एनर्जी देने में काम आते हैं। दैट्स ऑल, नेक्स्ट। उठा देखो पानी जैसा, थैंक यू बेटा। ये तो मेम्ब्रेन की बात हो रही थी, अब हम लोग जस्ट नीचे आए, मेम्ब्रेन से नीचे आएंगे तो क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म होता है या लिविंग फ्लूइड्स होता है, जिसे कि हम लोग जो है साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली जो है इज कोलाइडल होता है, होमोजीनियस होता है। ले ली, नेक्स्ट ले ली, नेक्स्ट स्लाइड ले ली, नहीं नहीं पीछे आ जाए, बैक हो जाए और बैक हो जाए, हाँ बस रहने दीजिए। साइटोप्लाज्म कोलाइडल होता है, होमोजीनियस होता है, मे बी ग्रेन्युलर वैक्यूलेटेड और डिपेंडिंग अपॉन द कंस्टिट्यूएंट जो है, मतलब ये कोलाइडल भी हो सकता है, होमोजीनस भी हो सकता है, ग्रेन्युलर भी हो सकता है, वर्कुलर भी हो सकता है, और इसमें अंदर जो है ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट जो है स्पेसिफिक सेल किस तरीके से हैं, और कंसिस्ट ऑफ द जनरली ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लाइपिड साल्ट न्यूक्लिक एसिड एंड इसके मेन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। अगर पूरे पूरे सेल को एनालाइज करके आप केमिकल एनालाइज करोगे तो उसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लाइपिड्स मिलेंगे, कुछ साल्ट मिलेंगे, कुछ मिनरल्स मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये उसके मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैंने तो इसमें गॉल्जी बॉडी,
ये सब बताया ही नहीं. एक्चुअली ये सारे मटेरियल जो है इन्हीं से मिल करके बने होंगे, आइदर प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लाइपिड से, मिनरल से, साल्ट से, आइदर न्यूक्लिक एसिड होंगे. ये बेसिकली जो है ये कंस्टिट्यूएंट हैं उसके. अब ये कंस्टिट्यूएंट जब मिल करके जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट शक्ल में बदल जाते हैं और डिफरेंट उनका वर्क हो जाता है. जैसे आप देखोगे कि ऑर्गेनेल्स में जो है परमानेंट कंपाउंड्स ऑफ द सेल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड परमानेंट, कुछ उसके सेल्स के पार्ट जो हैं परमानेंटली होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, बगैर उसके सेल मेम्ब्रेन के सेल होगा ही नहीं होगा. इसी तरह से कंटेन इंजाइम, कुछ इंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलरली इन सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम करते हैं. इट इंक्लूड जो है मेटाबॉलिक इन माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक, गॉल्जी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोम, पेरिऑक्सिन एंड सेल एंड साइटोसोम. ये कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो कि परमानेंटली उसमें सेल्स में रहते हैं. कोई जरूरी नहीं कि सभी सेल्स में रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई ना कोई पार्टिकल किसी न किसी सेल में जरूर रहेगा. स्पेसिफिक जो है वर्क के एतबार से कुछ ऑर्गेनेल जो है चेंज हो जाते हैं. जहां जहां जिसकी जरूरत होगी वो ज्यादा होगा, जहां जिसकी जरूरत नहीं होगी वहां पे वो ऑर्गेनेल्स कम हो जाते हैं. नेक्स्ट. जैसे जो है जो बेसिक जो जो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. आपने भी पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है. ये एक्टिव है, मोटाइल है, रॉड सेट है, स्पेटिकल है, फिलामेंट है, ग्रेन्यूल्स हो सकता है, एंड मेड ऑफ द फैट, न्यूट्रल फैट, फॉस्फोलाइपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल से, एंड प्रोटीन. प्रोटीन में जनरली जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है और एंजाइम से बना होता है. बेसिकली जो है ये क्या होगा, ये एक्टिव होगा, मोटाइल होगा, रॉड शेप होगा, स्फेरिकल होगा, फिलामेंटल होगा, आदर ग्रेनुलर शेप का होगा. ये जनरली जो है फैट, नेचुरल फैट, फॉस्फोलाइपिड्स, कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, एंड प्रोटीन में राइबोन्यूक्लिक एसिड हो सकता है और प्लस एंजाइम होता है, इससे ये बना हुआ होता है. इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, टिश्यूज विथ रेस्पायरेशन, फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी. बेसिकली जो है फंक्शन सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. वह एनर्जी किस शक्ल में मिलता है, ग्लूकोज के शक्ल में मिलता है. और ये ग्लूकोज किस फॉर्म में उनको मिलता है, एटीपेज के शक्ल में, एटीपेज के ट्रांसपोर्टेशन, एटीपेज के रिएक्शन से इनको जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से इनको या ग्लूकोज सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं. इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द एनर्जी भी कहते हैं. ये एक तरीके से पावर सप्लाई का काम करते हैं सेल में. पावर सप्लाई का मतलब ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई या करंट सप्लाई इनसे मतलब नहीं है. पावर का मतलब होता है उनको काम करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी का ये प्रोडक्शन करते हैं. इसीलिए इसे हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं या पावर प्लांट भी कहते हैं. अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे. ये सॉजस शेप होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड किया हुआ होगा ये हमेशा. फाइव इसके जनरली पार्ट्स होते हैं. ये आउटर पार्ट मेम्ब्रेन होता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इसमें होते हैं, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, द इनर मेम्ब्रेन होता है, एंड द सस्ट्रेन स्पेस होता है. दो जो इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर जाके फोल्डिंग के शक्ल में बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस जो है इनर मेम्ब्रेन होता है. और देन उस स्ट्रेस के बीच में जो स्पेसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स जो है साइट जो है जनरली जो है एरोबिक जो है रेस्पिरेशन इसमें होते हैं. और जो है ये हमेशा उस जगह मिलते हैं जहाँ ज्यादा पावर हाउस के पावर की जरूरत होती है. नेक्स्ट चलिए बेटा. आज का काम आप जैसे मैंने पहले बताया पावर हाउस ऑफ द सेल है, प्रोडक्शन ऑफ द सेलुलर एनर्जी थ्रू एटीपेज जो है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है, मसल सेल्स, लिवर सेल्स में ज्यादा होते हैं जहाँ ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. और जो है इस मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और कोई फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए प्रोटीन्स होते हैं. इसके अंदर जो है जो मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर देखेंगे सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है. डीएनए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डबल हेलिक्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम लोग डीएनए कहते हैं. यहाँ पे सिंगल हेलिक्स बोला जाता है, सिंगल मॉलिक्यूल करा जाता है. और कुछ राइबो आरएनए होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के काम करते हैं, रोल इन द सिंथेसाइज मेम्ब्रेन एंड बाउंड्री जो है. अब देखेंगे एक टर्मिनोलॉजी आता है मेडिकल में, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस उसे हम लोग कहते हैं. इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो हमें हेरिडिटी से ट्रांसफर कैरेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी में इसे इनहेरिटेंस कहते हैं. हमें एंसेस्टर से ये कैरेक्टर्स मिला है.
आप यहाँ पे देखोगे द यूनिक फॉर्म ऑफ द इनहेरिटेंस दैट इज पास्ड बाय ओनली फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड दिस इज बिकॉज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ फिटस बिलोंग टू द मदर एज ए स्पर्म एंटरिंग वन डज नॉट कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब इसका आप माइटोकॉन्ड्रिया का अगर इनहेरिटेंस कैरेक्टर आप देखोगे या हेरिडिटी कैरेक्टर देखोगे तो ये टोटली मदर पे डिपेंड करता है. क्यों मदर पे डिपेंड करता है? क्योंकि फर्स्ट सेल मैंने बताया था कि सेल को ओरिजिन होने के लिए एक सेल की जरूरत होती है, तो जिस सेल से ये पूरा पूरा बॉडी जो है ओरिजिन होता है वो बेसिकली मदर सेल होता है. मदर सेल में ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वहीं से वो माइटोकॉन्ड्रिया जो लेकर के जो है इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स आता है, वही इनहेरिटेंस कैरेक्टर जो है टोटल माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है. तो मेल में क्योंकि मेल का जो सेल स्पर्म आता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, जो है ये उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. उसको जो है क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का जो है प्लेंटी ऑफ द ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट जो है मल्टी मर्ज किए रहता है ताकि उसे क्विक एनर्जी मिल सके. क्योंकि आप स्पर्म को लाइफ देखोगे वो बहुत ही 48 आवर्स उसका पूरी पूरी लाइफ है. उसकी स्पीड देखोगे तो मील किलोमीटर की स्पीड से वो चलता है, तो उतने जल्दी लाइफ है उतना उतनी तेज उसे भागना है और अपने मंजिल तक उसे पहुंचना है. उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया अगर रहेगा वो एन पावर हाउस बनाएगा, देन सप्लाई होगा जब तक वो डेथ कर जाएगा. इसलिए उसे क्या होता है डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज के शक्ल में नेचर देता है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो है इनहेरिटेंस कैरेक्टर आप देखेंगे तो वो टोटली मदर्स पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट नेक्स्ट जो एंडोप्लाज्मिक जो नेक्स्ट जो वो है आइटम रहता है जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. घड़ी उड़ी नहीं है इसमें, पता कैसे चलता टाइम बता दे यार, क्योंकि मोबाइल में रहेंगे इधर घड़ी इसमें बोलो लगवाने के लिए हम नोट करते हैं भजवाते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है द सीरीज ऑफ द इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस चैनल. ये क्या है? ये इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस कैनाल है. ये ट्यूबुलर शक्ल है, मेम्ब्रेन का बना हुआ ट्यूबुलर शक्ल है जो कि आउटर मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस तक का कनेक्शन बनाए रखता है. क्यों बना रहता है? कि अगर कोई डायरेक्ट प्रोटीन जो है बाहर से आ रहा है इंपोर्ट होकर के तो वो साइटोप्लाज्म में मिक्स ना हो जाए, जो है साइटोप्लाज्म में उसकी शेप को ना चेंज कर दिया जाए. तो इसलिए एक सिस्टम बना हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि जो है इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल है. कैना है तो ट्यूब लेकिन मेम्ब्रेनस है और पूरा पूरा बॉडी से ऊपर से लेकर नीचे तक कैनाल है. कंटिन्यूअस विद आउटर न्यूक्लियस टू द मेम्ब्रेन. आउटर जो है मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस तक पूरा पूरा कनेक्ट होता है. फ्लैटन मेम्ब्रेन इंक्लोज द साइड ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सस्टेन जो है, जिसमें जो फ्लैटेंट हो जाते हैं जो चिपक जाते हैं वो सैक लाइक जो है ट्यूब बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टेन जो है. स्पेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ल्यूमेन, इसके जो कैनाल का जो है ल्यूमेन जो होता है डायमीटर जो होता है 42 to 700 angstrom के होता है. जो एंगस्ट्रॉन समझते हैं ना द सबसे जो लीस्ट जो है मेजरमेंट जो है वो जो हम लोग मेजर कर पाते हैं दैट इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉन जो है. टाइप इसका जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक हो सकता है, इसके ट्यूबुल्स के ऊपर जो है रफ पिगमेंटेशन हो सकता है, आदर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो सकता है. बेसिकली जो है ये हमने बताया कि इसका काम ही क्या है, ये इंटर सेलुलर कनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल है. याद रहेगा इंटर सेलुलर इंटर कनेक्टिंग, सेल के अंदर को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला एक मेम्ब्रेनस ट्यूब है. नेक्स्ट पार्ट जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर आप देखोगे तो ये डिवाइड ऑफ द राइबोसोम्स, वो एंडोप्लाज्मिक जो रफ होता है उसके ऊपर राइजोम्स या क्रोमोसोम राइजोम्स आइदर जो है पिगमेंट्स लगे हुए होते हैं इसीलिए उसे रफ कहलाता है वो. और ये जो है इस पे जो है डिवाइड ऑफ द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इसके ऊपर नहीं होता है इसीलिए ये स्मूथ होता है. सिंथेसिस ये जनरली जो है लाइपिड ग्लाइकोजन एंड स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में काम आता है. ठीक है, रफेज वाला जो है राइबोसोम का प्रोटीन बनाने में काम आता है, ये लाइपिड्स ग्लाइकोजन एंड स्टेरॉइड हार्मोन जो है सिंथेसाइज करने में काम करते हैं.
एसोसिएटेड विद द डीटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग जो है। इसके अलावा जो है ये इंटरनल जो है जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के उसको ये डीटॉक्सिफिकेशन करने में काम आता है, ठीक है, उसमें जुड़ जाता है। ये मेरा ही लगाया हुआ, इसको उधर कर लीजिएगा तो जुड़ जाएगा उसमें। अब वो इसके दोनों एक साथ जो है तो शेयर हो जाएगा, ये पूरा पूरा वहाँ से भी शेयर होता रहेगा, वहाँ भी आपको दिखता रहेगा, ठीक है ना। शेयर भी हो गया और आप देख लीजिएगा पहले जोड़ करके क्या होता है, तो बड़ा भी दिखेगा, दोनों तरफ से दिखेगा, शेयर में भी दिखेगा और ऐसे भी देख सकता है वो भी। हाँ नेक्स्ट ले लीजिए बेटा। हाँ नेक्स्ट स्मूथ के बाद। स्मूथ के बाद नेक्स्ट ले ली, इसके बाद नेक्स्ट ले ली। हाँ ये नेक्स्ट ले ली, इसके अलावा सॉरी हम यहाँ देख रहे हैं, बाइक हो जाइए, दोनों तरफ देखने में गड़बड़ हो जा रहा है, एक बाइक होइए, बस यहीं पे छोड़ दी, इसके बाद लीजिए नेक्स्ट ले ली। नहीं आपने तो ये लिया ना, रफ है ना, उसके बाद नेक्स्ट लीजिए, स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद ले लीजिए, ये एक मिनट छोड़ दिए, यहीं छोड़ दिए, हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रफ ही तो है ना, ये तो छोटा छोटा गॉल्जी गॉल्जी एट्रेटस, नेक्स्ट ले ली। नहीं 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 वहीं वहीं पर रंज, सॉरी बस बस यहीं छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो आइटम है वो गॉल्जी अपैरेटस कहते हैं हम लोग, ये सेपरा न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियर के जस्ट बाहर वाला हिस्सा है, स्टेक ऑफ द क्लोज फोल्डेड फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक सिस्टमेस है, ये सैक लाइक जो है सिस्टेन की तरह से होता है, इसका डायमीटर जो है लगभग 0.521 माइक्रोन के बराबर होता है, मेमेलियन सेल में है 40 to 100 स्टैक्स होते हैं और वन स्टेक के अंदर लगभग 4 to 8 जो है सस्टेन होते हैं पर पैक स्टेक में जो है, इन क्लोज एसोसिएशन विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बिल्कुल क्लोज होते हैं, इन क्लोजर टू एसोसिएशन विद इंडोप्लाज्मिक एंड टू मेन कंपार्टमेंट इससे होते हैं, एक कन्वेक्स सस्टेन होता है और एक कनकेव सस्टेन होता है। नेक्स्ट ले जल्दी के बाद नेक्स्ट ले, सॉरी इससे ऊपर चलिए बैक, हाँ बस छोड़ दीजिए। साइट ऑफ द ये जनरली जो है आपको गॉल्जी अपरेटर जो है ये क्या करते हैं, इनका काम बेसिक है कि ये प्रोटीन को जो है पैक करते हैं, प्रोटीन को प्रोटेक्ट करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को ग्लाइकोप्लाज्म में बदल के रखते हैं, स्टोरेज सिक्योरिटी की तरह से काम करते हैं एंड मेजर कलेक्शन जो है डिस्पैच स्टेशन ऑफ द प्रोटीन, और जब जरूरत होता है तो ये प्रोटीन को डिस्पैच करने का काम करते हैं, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है आपको तो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और सिंथेसाइज करके अगर यूज नहीं हुआ तो फिर ये सैक के शक्ल वाले हिस्से में इसे जमा कर लिया जाता है, या ग्लाइकोप्रोटीन को लैपिड्स में बदलने में भी ये काम करते हैं, और इस कलेक्शन को ये जो है जब जरूरत लगता है तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट राइबोसोम, राइबोसोम जो है ये टाइनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस ग्रेन्यूल्स के शक्ल्स में होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये टू मेजर कंपोनेंट होते हैं इसका, इसमें भी जो स्मॉल सबकेंट होता है और लार्ज सबनेट्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है जनरली सिस्टोसोल होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और जो है पोर शब्द जो है आउटर सर्फेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। नेक्स्ट लेवल जी, कौन इसका ग्लास मोल्ड क्या चीज, ये तो बाद में ले जाएगी, कौन मांगने आ गया, नीचे से कह दो को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो है लाइजोसोम्स होता है, लाइजिन सोल्यूशन सेम बॉडी सोमा बॉडी, इसे हम लोग क्या कहते हैं,
किसी चीज को डिजॉल्व करने वाला सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसे दैट इज कॉल्ड एज द लाइसोम। ये भी मेम्ब्रेनस बॉन्डेड वेसिकल्स होता है, फॉर्मड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गॉल्जी एपरेटस, कंटेन जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डाइजेशन की तरह से काम करता है। बेसिकली ये फैगोसाइटिक एक्टिव होता है, एंड मैक्रोफेजेस जो है न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि ये तो ये बेसिकली जो है एक सैक की तरह से होता है, या यूं कहें कि डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह से काम करता है, डाइजेस्टिव पार्ट्स की तरह काम करता है, और फैगोसाइटिक की तरह से जो भी इसके अंदर आते हैं इसे ये डिजॉल्व करके फिर जो है न्यूट्रिएंट में बदल लेते हैं। नेक्स्ट चलो खत्म हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट चलो खत्म कर दे इसको, नेक्स्ट आगे कोई है, कोई आया कि नहीं आया इसके बाद का, कोई टीचर आया कि नहीं आया? देखिए अगर आ गए होंगे तो बैठा दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, आ गए होंगे तो बैठा दीजिए, उसको बोल दीजिए लड़के को, अभी नेक्स्ट टीचर आए नहीं है इसलिए हम लोग वहाँ बोल दीजिए, कुछ आएंगे तो बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक है सर, ओके, आए तो उनको बैठा दो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि भाग गए उधर ही से। नेक्स्ट टीचर अभी आए नहीं है, हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। जी सर, कोई दिक्कत? नो कंटिन्यू रखते हैं, जब तक नेक्स्ट टीचर आ जाते हैं तो फिर हम छोड़ देंगे। यस सर, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं सर, गप लगाने का थक गए हैं। मे आई कंटिन्यू? नो सर। यस सर, कंटिन्यू। यस सर, ऑफ कोर्स। यस सर, थक जाइएगा तो, थक जाइएगा तो बताइएगा, दिस इज द बोरिंग सब्जेक्ट। ये कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलरली जो है सेल्स टिश्यूज, ये ऐसे जो चैप्टर है। नो सर, इट इज नॉट बोरिंग सर, इट इज इंटरेस्टिंग सर, नॉट बोरिंग। अच्छा सॉरी, थैंक यू वेरी मच। मैं तो आज तक यही पाया कि लोग बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैं इसे बहुत फास्ट लेता हूँ। ऐसे भी आप पढ़े हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा मुझे इसमें बताना नहीं है, ये सब आप पहले से पढ़े हुए हैं, जस्ट फॉर एक रिमाइंडर। बस याद रखिएगा कि जो आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, मैं आई जस्ट चेंज योर माइंड, कि आप इसे नीट के प्रिपरेशन के माइंड से मत पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे जो आप पढ़ते हो ना, वो क्या होता है कि ज़्यादातर वो डिस्क्रिप्टिव आपसे पूछते हैं, नंबर क्या है, तो नंबर दो है कि तीन है, कि शायद मोटा है कि छोटा है, इस तरह से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग पास आउट करके निकल जाते हैं, और बेसिक जो काम की चीजें हैं वही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो आप जो भी पढ़े होगे वो भी भूल जाओगे अगर उससे इसको कंपेयर करोगे तो। डेढ़ साल जो है लाइजोम हमने जैसे पढ़ा, ये डाइजेस्टिव ऑपरेटर्स के तरह से काम करते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसके अंदर हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं, और जो है जनरली जो है इसमें इसका पीएच जो है एसिडिक पीएच होता है, इसीलिए जो है ये सारी चीजों को डाइजेस्ट कर देते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रा मीन्स जो है जब भी लव इंट्रा लगा होगा कहीं भी, मतलब होता है अंदर, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, प्लाज्मा के साइटोप्लाज्म के अंदर के चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए जिस चीजों को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लाइजोम्स। क्लियर? नेक्स्ट चले तो छूट गया एक और बैक। हाँ ठीक, हाँ एक और लाइजोम से मिला हुआ एक और चीज होता है जिसे हम लोग पेरी ऑक्सीमोस कहते हैं। ये लाइजोम्स की तरह से छोटे छोटे पाइक्रोब होते हैं या माइक्रो बॉडीज होते हैं, मेम्ब्रेनस बाउंडेड वेसिकल्स होते हैं, डिराइव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं, रिप्लिकेशन बाय द फ्यूजन्स, कई छोटे छोटे सेल्स मिल करके ये फ्यूजन से बनते हैं, सराउंडेड बाई ए लाइपिड बाइलेयर एंड मेम्ब्रेनस इंक्लूडिंग द सिस्ट्रोल कोन जो है, कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, पर्टिकुलरली जो है आपको इसमें देखेंगे कैटलेज है, और जो है यूरेट ऑक्सीडेट है, एंड डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेट है। इससे पहले जो लाइजोम में हम लोग देख रहे थे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे, मीन्स ये कि किसी चीज को वो तोड़ देते हैं, दो मिनट और लेंगे तुम्हारा है, किसी चीज को क्या कहते हैं, वह हाइड्रो थे मीन्स तोड़ देते थे, और यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेस करा देते हैं, मीन्स क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं ये, जिससे कि जो है डाइजेशन होता है, इसीलिए इसे जो है
ऑक्सीडेज यूरेट कहते हैं हम लोग। इसका फंक्शन जो है जनरली जो है जैसा कि ऑक्सीडेशन होता है, मैंने बताया ऑक्सीडेटिव एक्टिव है इसका, तो बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइजेशन करते हैं, एंड माइलाइन फॉर्मेशन जो है एंड बाइल एसिड प्रोडक्शन करते हैं। जस्ट लिवर से वो एसिडिक मीडिया में काम करता था, ये बेसिक मीडिया में काम कर रहा होता है दोनों राइबोसोम से जो है, राइबोसोम जो है वो नेचुरल राइबोसोम क्या है, वो सैक है जो कि इंगल्फ करके हाइड्रोलिक करके ब्रेकअप कर देता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स को बदल देता है। ये छोटा सा राइबोसोम है, ये जस्ट रिवर्सिबल है, ये एसिडिक मीडिया में नहीं है, ये बेसिक मीडिया में काम करता है, इसीलिए ये ऑक्सीडेज करता है, यूरेट बनाता है, और जो है ऑक्सीजन डीऑक्सीफिकेशन करने में, डिटॉक्सिफिकेशन करने में काम आता है। दैट्स ऑल जो है, इसके बाद जो है और कुछ हम लोग यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि सर आ गए हैं आपके नेक्स्ट सर जो है फिजियोलॉजी के लिए। बी क्लियर अबाउट दैट, जस्ट एक बार और फिर इसे रिपीट करते हुए, मेरा आदत है कि जब हम आते हैं तो पीछे वाले लेक्चर को फिर से रिपीट करते हैं और देन फिर हम लोग चलते हैं, तो एक लेक्चर और हम लोग लेंगे, तब उसके बाद से सेल को कंप्लीट कर लेंगे और देन वहीं पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर को क्लोज। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा आज का लेक्चर लगा सर। और कोई प्रॉब्लम मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके नेक्स्ट टीचर आ गए हैं इसलिए हम क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं आपका, और मैंने सर्वतना अभी लेक्चर कंप्लीट भी नहीं हुआ हम लोगों का, इसलिए हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट जो है पीछे से लेकर के अभी तक का जितना क्वेश्चन आंसर होगा एक साथ हम लोग ले लेंगे। बी क्लियर अबाउट दैट, ओके, जस्ट थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग मी, थैंक यू सो मच सर, ओके थैंक्स, थैंक यू सर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था सर, मजा आ गया। एट क्लास में पढ़े थे सेल्वल, सही वही याद आया एट क्लास का। क्यों भाई 11 12 में नहीं पढ़े क्या? 11th में नहीं पढ़े क्या? नहीं 8 का 11th वाला भी हां, अभी आज जितना पढ़े ना, सब 8 में पढ़े थे। ओ माशाल्लाह, तुम तो 8 में इतना पढ़ लिया यार, हम तो अभी पढ़ रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज में आके इतना पढ़ रहे हैं। अरे हम तो मेडिकल कॉलेज में आ गए, इतना पढ़े यार, कोई 6 में पढ़ लिया, कोई 8 में पढ़ लिया भाई। हेलो हेलो, हां बोलो बोलो यार, सुन रहे हैं, 8 में पढ़े हैं। हां यार, मेरे बुक में बोलो तो अभी फोटो क्लिक कर सेंड कर देंगे, मेरे पास बुक अभी भी है 8 क्लास का, उसका फंक्शन के साथ, फंक्शन के साथ नहीं लेकिन पढ़े हैं यार, एडवर्टाइज बुक में पढ़े हैं, ये साइड बुक था हम लोग के पास स्कूल में। बोलो छोड़ दे क्लास में भी पढ़े भाई। अरे पूरा नहीं, अरे फिर भी नाम तो सुने हुए हैं। अरे वो अभी किसका क्लास है यार? क्या उमूर तबिया हेलो इशार भाई, इशार भाई हाँ बोलो यार, क्या कर रहे हैं? कुछ ना।